राजस्थान में पिछले साल 17 नए जिलों का गठन किया गया था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 17 नए जिले के गठन की घोषणा की थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले से राजस्थान का भूगोल बदल गया था। हालांकि नए जिलों के गठन की घोषणा के बाद विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव होने के कारण गठन की पूरी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। ऐसे में प्रदेश की भजनलाल सरकार ने प्रदेश में पिछले साल बनाए गए 17 नए जिले और 3 संभागों के गठन की प्रक्रिया को पूरे करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया है। बुधवार को सरकार की ओर से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि राजस्थान की पिछली सरकार में नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों के गठन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप देने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया है। कमिटी इन जिलों और संभागों के प्रशासनिक क्षेत्र अधिकारी, सुचारू संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के लिए अपनी रिपोर्ट और सुझाव देगी। बता दें, पिछली गहलोत सरकार में अधिसूचना जारी कर प्रदेश के जिलों की संख्या 33 से बढ़ाकर 50 और संभागों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। इन नए जिलों में अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा, सांचौर, सलुम्बर, शाहपुर, गंगापुर सिटी, डीग, खैरतल, कोटपुतली, नीम का थाना, डीडवाना, केकड़ी, ब्यावर, जयपुर ग्रामीण और दूदू शामिल है। वह नए जिलों की गठन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बनाए गए मंत्रिमंडलीय उपसमिति का संयोजक उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा को बनाया गया, जबकि मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, मंत्री हेमंत मीणा और मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया। समिति का प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग होगा और इसके सदस्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव शासन, सचिव राजस्व विभाग होंगे। अब यह कमेटी नए जिलों के गठन पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।